ये 100 mm पोर्पोरेटेड केबल ट्रे है, तो उसका कैसे कपलर बनेगा, वी कट कटिंग करके उसका कपलर कैसे बनाएंगे और कैसे जॉइंट होगा वो देखेंगे। और साथ साथ हम लैडर ट्रे को भी देखेंगे कैसे उसका कपलर बनेगा और उसका भी कैसे जॉइंट होगा। तो हम पहले पोर्पोरेटेड केबल ट्रे का कैसे कपलर बनेगा वो देखते हैं। वो 100 mm का केबल ट्रे है, तो उसमें मैंने क्या मार्किंग किया है, यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन किया है। सेंटर लाइन के बाद दोनों तरफ 40 mm 40 mm लिया है। यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन किया है और सेंटर लाइन से 40 mm इधर और 40 mm इधर ऐसे वी कट कर लिया है। जो मैं पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ वही फॉर्मूला से वी कट हुआ है। वो फॉर्मूला का सब वीडियो आपको देखना है तो आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप विजिट करके पूरा फॉर्मूला आप देख सकते। तो वही फॉर्मूला से वी कट बनाया है, सेंटर लाइन से दोनों तरफ 40 mm 40 mm लिया। और आपको बस कटिंग में थोड़ा ख्याल रखना है, बाकी सब सेम ही है। तो यहाँ पे पूरा विकट कर दिया। अब यहाँ पे जो कपलर के लिए जो यहाँ पे कटिंग आएगा, मार्किंग आएगा, थोड़ा चेंज आएगा। अभी ये वाला लाइन हमने सीधा खींच दिया है, जहाँ पे विकट का पॉइंट आया यहाँ पे, तो यहाँ से हमने पूरा ये सीधा खींच लिया है। और यहाँ पे जो हमको कपलर बनाना है, तो कपलर के लिए इतना सीधा चल के फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने 30 mm लिया है, यहाँ से लेके यहाँ का 30 mm लेके फिर सीधा लाइन खींच लिया है। अब हमको कटिंग यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे कटिंग करना है, फिर यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे कटिंग करते फिर यहाँ से ऐसे कटिंग होगा, ये वाला हिस्सा ऐसे कटिंग हो जाएगा, फिर ये कटिंग यहाँ का ये हो जाएगा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा, फिर यहाँ से। इसलिए आप मान लीजिए आप यहाँ से कटिंग करते हुए चलना है, तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे यहाँ तक पूरा ऐसे कटिंग करना है। अब आप लोगों को कटिंग करके फिर ज्वाइंट करके भी दिखाता हूँ। पोर्पोरेटेड केबल ट्रे का भी मैंने जैसे मार्किंग किया था वैसे पूरा कटिंग कर दिया है, देख लीजिए। आपको वैसे ही पूरा कटिंग करके मार्किंग करना है, ऐसे मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे तो आपसे भी आसानी से कपलर बैंड बन जाएगा। अब मैं इसको आपको मोड़ के दिखाता हूँ। देखिए इसे ऐसे मोड़ के आपको ये वाला हिस्सा है उसको मोड़ के यहाँ पे सटाना रहेगा, यहाँ पे सटा के उसको होल गिरा के आपको उसको नट बोल्टिंग करना रहेगा। ये पूरा आपका बैंड बन गया है, इसको आपको खाली ओनली फॉर यहाँ पे होल गिराना और इसको मोड़ के इसके साथ सटा देना है। सटा के आप आसानी से बैंड करके उसका कपलर कर सकते हैं। देख लीजिए पूरा ऐसे आपका बैंड छट जाएगा, बैंड छटने के बाद आपका पूरा कपलर बन जाएगा। ये थोड़ा हेवी गेज का केबल ट्रे है, इसलिए इसमें थोड़ा मोड़ने में और कपलर मोड़ने में दिक्कत हो रहा है। बाकी इससे कम गेज का 2.5 का गेज का रहेगा तो आसानी से मोड़ने में भी काम करने में आसानी रहता है। इसमें हेवी गेज का ये यूज़ किया है। देखिए मैंने यहाँ पे ये परफेक्ट कपलर बैंड बना लिया है, पूरा कंप्लीट लेवल टू लेवल यहाँ पे मैच हो गया है, पूरा फिनिशिंग के साथ पूरा बैंड बन गया है, देख लीजिए। अभी यहाँ पे खाली ये थोड़ा हेवी है, इसीलिए मैं भी वीडियो बनाते वक्त इसको मोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए। बाकी आप इसको यहाँ मोड़ के यहाँ पे चटा के होल्ड गिरा के फिक्स कर सकते हो और ऐसे पूरा आप बैंड बना सकते, देख लीजिए पूरा फिनिशिंग के साथ पूरा बैंड बन गया है, ये पूरा फिनिशिंग के साथ बन गया। इससे पहले मैंने वीडियो कपलर का बनाया था, इसमें यहाँ पे ये जो अप डाउन रह जाता था, क्योंकि उसमें मैंने दो कपलर बनाया था, एक यहाँ पे भी कपलर था और एक पीछे कपलर था। तो पीछे कपलर ये यहाँ पे कपलर रहेगा तो ट्रे के इसके ऊपर चढ़ेगा, ओवरलोपिंग होगा, ओवरलोपिंग होगा तो थोड़ा यहाँ पे ऑफसेट जैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक एक इच्छा अप रहेगा और एक इच्छा डाउन रहेगा, तो वो कपलर अच्छा नहीं लगता है और उसमें दिक्कत भी ज़्यादा होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। वो आसानी से बन जाता है और फिनिशिंग भी अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं सबको यही कपलर वाला जॉइंट बनाने के लिए सजेस्ट करता हूँ। ये 90 mm का लेडर टाइप केबल ट्रे है, तो उसका कैसे वी कट होगा, तो 90 का ट्रे है तो 90 को 2.5 से भाग कर देना है, 2.5 से भाग करेंगे तो 36 mm मिलेगा आपको, 36 mm मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे
एक सेंटर लाइन किया, सेंटर लाइन से दोनों तरफ 36 mm 36 mm लिए। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से इधर 36 mm, सेंटर लाइन से इधर 36 mm, दोनों तरफ 36 mm 36 mm लेके फिर आपको वी कट बनाना है। वी कट बना के उसका कटिंग करके कैसे कपलर बनेगा वो पूरा देखेंगे। तो मैंने ये पूरा विकट बना दिया है यहाँ से, ऐसे आपको कटिंग इतना इच्छा करना रहेगा। लेडर ट्रे है तो यहाँ पे इतना इच्छा ये वाला पोर्शन कटिंग होगा, और यहाँ पे कपलर के लिए इसको नहीं काटना है, हमको यहाँ से काटना है, ये वाला इच्छा काटते हुए जाना है, फिर यहाँ तक काटना है, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ के फिर ऐसे काटना है, फिर यहाँ से मोड़ के ऐसे काटना है, फिर ऐसे काट के फिर आपको इधर भी ऐसे पूरा काटना है। दोनों तरफ मैंने मार्किंग किया है, यहाँ पे भी ये सेंटर लाइन किया था, सेंटर लाइन से दोनों तरफ 36 mm 36 mm लेके इस तरफ भी वी कट बना लिया। वी कट बना के फिर यहाँ से ऐसे काटना है, फिर इधर तो पूरा सीधा काट देना है, और ये हिस्सा भी आपका पूरा सीधा इधर से कट जाएगा। और ये कपलर के लिए किया है, तो यहाँ पे होल गिरेगा और इसमें होल गिरेगा और वहाँ पे कपलिंग हो जाएगा। तो इसका कैसे कटिंग होगा और कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पेंट बनेगा और उसका कपलर कैसे जॉइंट होगा। देखिए जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे ही पूरा कटिंग किया है, ऐसे ही आपको मार्किंग करके कटिंग करना है। कटिंग करके कपलर ऐसे आसानी से बन जाएगा। अब मैं इस कपलर को मोड़ के दिखाता हूँ कैसे मोड़ेगा और कैसे उसका होल करके उसको कपलिंग करना रहेगा। ये पूरा कटिंग हो गया है, अब आपको ऐसे इसको मोड़ना है। ये मोड़ गया है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मोड़ने के बाद जो यहाँ पे ये हमने जो उसका कपलर बनाया था इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे होल गिराना है। होल गिरा के आपको इसको नट बोल्टिंग कर देना है। ऐसे पूरा आप आसानी से इसका कपलर बनाएंगे। देख लीजिए ऐसे पूरा इसका कपलर बनेगा। अभी जो ये वाला हिस्सा है वो आपको इसको मोड़ के, ये वाला हिस्सा है वो आपको थोड़ा मोड़ के यहाँ पे होल गिरा के उसको बोल्ट लगा के पूरा फिक्स करना रहेगा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।